So students, good morning. Right? We have done exercise 10.3, 10.4, 10.5. Yesterday you had test also from these three exercises. I hope you have done your test properly. Now today we are going to discuss the questions from exercise 10.2. 10.2 is very easy. What is given to us in this exercise? We have been given three sides and we have to construct the triangle. So, first question is, construct triangle XYZ. First of all, you have to make the rough figure XYZ. XY is 4.5 centimeter. YZ is 5 centimeter. And ZX is 6 centimeter. So, it is very easy. Look here on the board. You will make a line segment YZ 5 cm. पहले बोर्ड पे देखो फिर बनाना. अब ये 4.5 cm है. You will open your compass 4.5 cm. एक मिनट सुनो पहले. कहां से आर्क लगाओगे 4.5 की किस पॉइंट से? Yes. क्योंकि 4.5 cm किस पॉइंट के साथ लिंक है? Y. ये नहीं सोचना है ये आर्क कहां से लगाएं. 4.5 इसके साथ लिंक है y के साथ तो y पे रख के 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ऐसे. फिर क्या गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर के कंपास खोलोगे कहां से आर्क लगाओगे बिकॉज़ इट इज लिंक्ड विद z पॉइंट ऐसे जहां दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज पॉइंट x एंड दिस इज योर ट्रायंगल. चलिए बनाइए. शाबाश. अरे आप सपोज यू हैव मेड वन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. आपने इतनी सी आर्क लगाई मान लो जैसे ये आर्क एंड व्हेन यू आर मेकिंग द आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर वो आर्क आती है ऐसे. आपकी आर्क इंटरसेक्ट नहीं हुई तो क्या करोगे? Again, you will open your compass of radius 4.5. तो ये वाली आर्क को ऐसे क्या कर दोगे? Extend. क्योंकि जो भी आर्क्स लगाओगे वो 100% intersect करेंगी. अगर नहीं कर रही मान लो तो इसका मतलब आपने दोबारा से अपनी कंपास उतनी खोलकर अपनी आर्क को क्या करना है? Extend करना. ठीक है? And where the two arcs will intersect, वहां से उसको join कर दे. Any doubt to anyone? बन गया बेटा संकेत. Yes, everyone, students. Now you have to construct an equilateral triangle. Sanket, I am coming. Just 1 minute. Equilateral triangle of side 5.5 centimeter. What does it mean? It means we have a triangle. Equilateral means all sides equal. All sides equal. और कितनी side given है? 5. ये भी 5.5 centimeter. This is also 5.5 centimeter and this is also 5.5 centimeter. Let us give the name from ourselves A, B, C. Very easy. You will make a line segment BC with the scale 5.5 centimeter, right? Next step, you will सिर्फ जब भी बेटा construction triangle की करनी है तो compass के साथ arc लगा के ये sides बनानी है. Not with the scale कि सिर्फ scale से 5 इधर बनाया 5.5 इधर बनाया. No. What you have to do, the next step, you have to open your compass of radius 5.5. B se rakke arc, C se rakke arc. Jahan dono arcs intersect karengi, that is your point A. Means equilateral, jab triangle banana hai, ye nahi ki 5.5 measure karke scale se sirf arc laga di.
स्केल से लाइंस बना दी, कंपास से आर्क लगा के लाइंस बनानी है। तो हरी अप, मेक इट। 5.5 सेंटीमीटर है एंड व्हेन ऑन चेकिंग इफ इट इज 5.7 और 5.3 देन यू विल बी गिवन मार्क्स। बट 5.5 का अगर 5 सेंटीमीटर दिख रहा है तो उसको क्रॉस लग जाएगा, नो नंबर विल बी गिवन। सेकंड थर्ड से सीखते हो आप स्केल की मेजरमेंट। You have to start from zero. Zero, one, two, three, four, five के बाद 5.5. Any doubt? Now come to question number third. 5.3 वैसे 5.5 होना चाहिए, 5.3 भी क्यों? गलत लग रहा है। ये कौन सा बनाया? थर्ड देखती हूँ। सी द थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर, सो वी विल मेक अ रफ ट्राइंगल। पी बन गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पी क्यू आर With PQ, गलती तो है बेटा, करनी नहीं। QR 3.5 सेंटीमीटर एंड PR 4 सेंटीमीटर। वैसे बताओ ये कैसा ट्राइंगल है? Yes. Now it is very easy to construct. 3.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाओगे बेटा, फिर 4 सेंटीमीटर कंपास खोलोगे, दोनों साइड से 4-4 की आर्क, क्योंकि दोनों साइड 4 है, ज्वाइन कर दोगे, बन गया हमारा ट्रायंगल। लेसेस ट्राई करो बेटा, लेसेस ट्राई करो कनिष्क। फिर आप ना एक्स्ट्रा कमेंट करते हो कनिष्क, फिर अगर आपको कह दो तो मैडम मैं तो नहीं लड़ रहा था, मैडम ये मैडम वो, बट आप ये बताओ आप एक्स्ट्रा कमेंट करते हो ना, गलत बात है ना बच्चे। फिर वो छोटी छोटी बात कहीं पर बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। सबको आजकल सबको गुस्सा आता है, सब में एटीट्यूड है, सब में ईगो है, क्यों कोई सुनेगा आपकी बात? इसलिए बोलना ही क्यों है फालतू। डन, ओके। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू, दिस इज वेरी इजी, राइट। सिमिलरली यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी 3 साइड्स गिवन है, आपने ट्राइंगल बनाना है। जब आप ट्राइंगल बनाओगे, फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल, और बोला है मेजर एंगल बी, एंगल बी कितना आएगा 90, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन इन द क्लास बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सेम व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, ठीक है। अब हम लर्न करेंगे हाउ टू मेक द पैरेलल लाइंस। सो इन एक्सरसाइज 10.2, 3, 4 एंड 5 वी हैव द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। किसी में दो एंगल्स गिवन है, एक साइड, तीन साइड्स, दो साइड्स, एक एंगल, वी हैव डन ऑल। एंगल विच इज द मल्टीपल ऑफ 15 विल बी मेड विद कंपास एंड विच इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 15 विल बी मेड विद द प्रोट्रैक्टर, ठीक है। दो क्वेश्चन आने ही आने हैं बेटा, एक 3 मार्क्स में, एक 5 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स में, इस तरह से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से 2 क्वेश्चन या 3 और 5 या 4 और 5 ऐसे आने ही आने हैं,
और इन्हीं में से आने हैं, कोई आउट ऑफ द वे कुछ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चंस साथ साथ, ठीक है। अब हम करेंगे 10.1 में फर्स्ट टू सम्स वी विल डिस्कस, थर्ड क्वेश्चन जाओ जी, थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, लीव दैट क्वेश्चन, नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, नहीं करना। अब हमारे पास दो तरह की पैरेलल लाइन की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, प्लीज पे अटेंशन। ड्रॉ, हाँ जी, क्या बोल रहा है, फोर तो इजी है बेटा, हो जाना था, आप 10.1 पे आ जाओ। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास। सो नाउ दिस इज वेरी सिंपल, इसमें क्या बोलते हैं कि कोई भी लाइन लो। नाउ हियर वी आर मेकिंग द पैरेलल लाइन नॉट द ट्राइंगल। व्हेन वी आर मेकिंग द पैरेलल लाइंस देन वी कैन टेक दिस लाइन विदाउट मेजरमेंट। लाइन सेगमेंट जब लेते हैं ट्राइंगल में तो बेस लाइन बिना मेजरमेंट के नहीं लेनी। पैरेलल लाइन के केस में ऐसे रैंडम लाइन जितनी मर्जी आप बना सकते हो। दिस इज ए, दिस इज B and we have to take all together, सुनो सारा इकट्ठा सुनो, फिर सारा इकट्ठा बनाना है, keeping all the steps in your mind. If one by one, again and again I will say, यहाँ रखो, यहाँ बनाओ, ऐसे करो, फिर वो retain नहीं होएगा आपके mind में, paper में कौन बताएगा? Listen all together. You will make a line, then you will take a point C outside, come in. उसके बाद बेटा आप ऐसे C को ज्वाइन कर दो विद दिस पॉइंट, लेट अस से इट इज X। पूरा सुनना और याद रखना है। प्रणव अभी नहीं, एक लाइन बनाई, एक पॉइंट लिया बाहर, पॉइंट बाहर लिया, उसको ऐसे कहीं भी इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना और उसको लिख देना X, कुछ भी लिख सकते हो, Y, Z, S, P। देन नेक्स्ट स्टेप इज You have to open your compass of little radius. थोड़ी सी compass खोलनी है, इस point पे रख के ऐसे आर, और इस point से रख के ऐसे, अब ये जो arc है ये यहां से भी लग सकती है, यहां से भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस आर्क के इधर से लग रही है या इधर से लग रही है, वो क्यों वेरी करता है, क्योंकि आपने कंपास कितनी खोली है, उतनी उतनी, कंपास को नहीं हिलाना, यहां से आर्क, फिर एक्स से, और उतनी खुली कंपास से सी से। ये हो गया पॉइंट ओ, और ये वाला पॉइंट हो गया ओ डैश। हाँ, जहां मर्जी, कुछ नहीं बोला इन्होंने, कहा वो कहते बाहर, लाइन के बाहर कहीं भी ले लिया। फिर क्या करना है, दोनों आर्क्स लगाने के बाद यू हैव टू मेजर ओ ओ डैश, कितनी कंपास खोलनी है ओ से लेके ओ डैश इतनी, ठीक है, और इस पॉइंट से मान लो ये पॉइंट है S, S पॉइंट से ऐसे आर्क लगानी है, जहां आर्क लगेगी वो आर्क और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, यू विल गेट अ पैरेलल लाइन L। सो वंस अगेन आई एम सेइंग, लीव योर पेन पेंसिल एवरीवन, लिसन टू मी, देन यू विल मेक मेक अ लाइन ऑफ एनी मेजरमेंट AB, गिव टू पॉइंट्स AB, टेक अ पॉइंट C एनीवेयर आउटसाइड द लाइन, उसको ज्वाइन कर दो, फिर अपनी कंपास खोलनी है थोड़ी सी, एक्स पे रख के आर और इस सी पे रख के ऐसे आर। उसके बाद ये क्यों मेजर कर रहे हैं, हमें पैरेलल लाइन करनी है, हमने पता है, हमें पता है कि अगर ये पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यस। तो ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर,
जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए, तो इसीलिए इसको मेजर कर लिया उतना ही यहां से लेके आर्क लगाएंगे ताकि जितना ये है उतना ही ये आए, तभी लाइन फिर इस आर्क और पॉइंट को ज्वाइन करोगे तभी पैरेलल लाइन मिलेगी। बात समझ में आ गई सबको? चलो स्टार्ट मेकिंग, हरी अप। Find the K, do the practice of these questions and take care. And send me your notes.